किसानों को इन दिनों फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु यूरिया जैसे रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। इसका फायदा उठाकर खाद को अवैध रूप से गोदामों में संग्रह कर एमआरपी से अधिक दामों पर बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। यूरिया खाद एमआरपी प्रति बैग 266 रुपए सरकार ने रेट तय किया है। तहसील में स्थित 50 कृषि केंद्रों में से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि केंद्रों में तय कीमतों से अधिक 300 रुपए में किसान को बेची जा रही है। 34 अधिक वसूले जा रहे हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए अधिक दाम देकर यूरिया की खरीदी करना किसानों की मजबूरी बन गई है। क्षेत्र के अनेक ग्रामों में बड़े पैमाने पर यूरिया खाद की कालाबाजारी नियंत्रण शुरू है, जिसके चलते अपने गोदामों में यूरिया जैसे रासायनिक खादों का स्टॉक जमा कर उसे अवैध रूप से मुंह बोले दामों की बिक्री की जा रही है। तहसील के ग्राम तुमखेड़ा मिल टोली में पुलिस ने करोड़ों का रासायनिक खाद जब्त किया है। जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से गोदामों में यूरिया समेत अन्य रासायनिक खादों का स्टॉक किया जाता है, जिसमें क्षेत्र में खाद की किल्लत होने लगती है। मौके का फायदा उठाकर अधिक दामों में यूरिया खाद की बिक्री की जाती है। किसानों से लूटमारी का सिलसिला वर्षों से शुरू है। तहसील कृषि अधिकारी गोरेगांव अशोक मोरे के अनुसार तहसील के सभी कृषि सेवकों को कृषि केंद्रों में भेंट देकर यूरिया के कीमतों के जांच के आदेश दिए गए हैं। एमआरपी से अधिक दामों पर बेचने वाले कृषि केंद्रों के संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।